हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक DIY फेशियल एट होम। फेशियल करेंगे घर के इंग्रेडिएंट्स से करेंगे, जो इंग्रेडिएंट्स किचन में इजीली अवेलेबल हो, सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से हम करने वाले हैं आज फेशियल। फेशियल में मेरे यहाँ पे 3 स्टेप रखा है। फर्स्ट हम करेंगे स्किन क्लेंसिंग, फिर स्किन स्क्रबिंग, उसके बाद हम लगाने वाले हैं एक बहुत ही नरिशिंग एंड मॉइस्चराइजिंग पैक, जो कि आपकी स्किन को बहुत सॉफ्ट सफल कर देगा। इस मतलब इस पूरे प्रोसेस को अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं जैसा मैंने बताया है, बिलीव मी एंड में आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप रिटर्न आके कमेंट में मुझे ज़रूर बताएंगे कि हमने आपका ये जो DIY फेशियल है ये किया और हमें रिजल्ट्स अच्छे मिले हैं। तो देर नहीं करते हैं, इन्ग्रीडियंट्स के बारे में बता देती हूँ। इसमें इन्ग्रीडियंट्स यूज़ होने वाले हैं राइस फ्लोर, टमाटो जूस, हनी, हल्दी, सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। तो क्लेंजिंग से स्टार्ट करते हैं। क्लेंजिंग करेंगे हम रॉ मिल्क से। रॉ मिल्क लेना है अबाउट 1 to 2 टेबलस्पून ले लो। कॉटन पैड है या कॉटन जो भी आपके पास अवेलेबल हो, कॉटन पैड है तो उससे भी डिप करके लगा सकते हैं। मेरे पास कॉटन पैड नहीं था तो मैंने सिर्फ कॉटन ले लिया। कॉटन को मैंने मिल्क में डिप किया, निचोड़ा एंड पूरे फेस पे मैं इसे अच्छे से मसाज कर लूँगी। आप देख रहे हो ना प्रोसेस में कैसे इसे यूज़ कर रही हूँ। मिल्क जो होता है ना एक बहुत अच्छा क्लेंजर होता है, बहुत अच्छे से आपके स्किन में से डर्ट को निकाल के बाहर करेगा। आप देखोगे जब आप क्लीन करोगे ना कॉटन पे, सारा डर्ट एक्यूमुलेट हो जाएगा, सारा डर्ट निकल के आ जाएगा कॉटन पे। एक बार कर लो ना फिर फेस को थोड़ी देर से रहने दो, लाइक वो मिल्क को थोड़ा अब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद अगर बच जाता है कुछ रेसिड्यूज उसका, फिर आप धो लो फेस। धो सकते हो या फिर एक कपड़े को गीले करके टॉवल को आप पोंछ लो। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारा होने वाला स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के लिए कोई हार्श इन्ग्रीडियंट मैं यूज़ नहीं करूँगी यहाँ पे, मैं सिर्फ यूज़ करूँगी राइस पाउडर। पूछोगे राइस पाउडर, राइस पाउडर मतलब वही चावल का आटा। चावल के आटे में थोड़ी सी हल्दी, हल्दी मिलाने के बाद मैंने हनी भी इसमें ऐड किया है। हल्दी डालो ना डालो, हनी ज़रूर डालना, और ऐसे भी लगा सकते हो इसको, ऐसे भी हाथों से अप्लाई कर सकते हो, टमाटो से भी कर सकते हो। एनीवे आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करो। राइस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप सभी को पता होगा, कितने अच्छे प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ये स्किन को क्लीन करता है, क्लियर करता है, पूरा डेड स्किन सेल्स निकल जाएंगे स्क्रब से। स्क्रब करने के बाद ही आपको फील हो जाएगा लाइक स्किन सॉफ्ट लग रही है, काम कर रहा है हमारा फेशियल। अच्छे से मसाज करना है इसे पूरे फेस पे, अच्छे से सर्कुलर मोशंस पे मसाज करते जाएंगे। ज़्यादा नहीं, बस 2 to 3 मिनट्स मैंने किया ऐसे। फिर उसके बाद हाथों से मैंने थोड़ा सा ऐसा कर लिया था, क्योंकि जो बच गया था ना टमाटो सीड्स वगैरह वो मैंने हाथों से ऐसे थोड़ा सा रब कर लिया था। फिर फेस को धो लिया। वॉश कर सकते हो या फिर वही वेट क्लोथ से पोंछ सकते हो। उसके बाद बनाएंगे पैक। पैक बनाने के लिए चाहिए हमें बेसन, ऑब्वियसली 1 चम्मच बेसन, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा हनी, उसमें रोज़ वाटर मिलाओ, पानी मिलाओ, आपकी मर्ज़ी, मैंने रोज़ वाटर मिलाया था। फिर पैक बना के उसे पूरे फेस पे लगा लेंगे। पूरे फेस पे अच्छे से लगाओ, लाइक अच्छे से अप्लाई करो, जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ सर्कुलर मोशन में, ऐसे थोड़ा सा रब कर करके मैं अप्लाई कर रही हूँ इसको। अप्लाई करने के बाद अबाउट 4-5 मिनट आप छोड़ दोगे ऐसे ही सूख जाएगा। अगर मे बी आपने थोड़ा सा ज़्यादा पतला बना दिया है तो सूखने के लिए टाइम लग सकता है, बट जनरली सूख जाता है। अच्छे से फेस को वॉश कर लो, देखोगे स्किन तभी आपको ग्लोई लगने लगेगा। बस इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होने वाला है आइस लगाना। लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं लगाना आपको आप मत लगाओ, मुझे अच्छा लगता है ऐसे। जब हम आइस करते हैं, आइस लगाते हैं फेस पे या कोल्ड वाटर से अपने फेस को वॉश करते हैं तो क्या होता है, हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं बंद हो जाएंगे, हमारा जो फेस है, जो स्किन है वो सूद होगा, उसे एक कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, तो स्वेलिंग या जो भी जलन हो रहा होगा वो सब रुक जाएगा।
सारे स्टेप्स जो भी मैंने बताए, ये सारे इंग्रेडिएंट्स नेचुरल हैं, किचन में अवेलेबल है, प्लस आप जब चाहो इसे कर सकते हो घर पे बैठे। द एंड स्टेप जो कि आपको करना है, इफ़ योर स्किन इज़ रियली रियली ड्राई, ड्राई साइड में आता है, आपका स्किन ड्राई है, आपको ये करने के बाद थोड़ा सा और ड्राई फील हो सकता है, एज़ बेसन जो है ना पूरा डर्ट जितना भी ऑयल था सबको लेके अपने साथ जाएगा, आपके चेहरे पे कुछ नहीं छोड़ेगा। फिर तो फिर आपको थोड़ा सा फील हो सकता है, आप थोड़ा ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो। मेरा कंबाइंड स्किन है, मुझे ज़्यादा मॉइस्चराइज़र नहीं लगता है, थोड़ा सा मैंने लगा लिया और मॉइस्चराइज़र लगाने के साथ ही मैंने उसे थोड़ा सा स्किन को ऐसे मसाज किया है। आप देख सकते हो मेरा स्किन कितना क्लियर है, कितना ग्लोई लग रहा है इसे करने के बाद, अंदर से ना ग्लो आ रहा है, चमक रहा है, आप देख ही सकते हो वीडियो में, आपको दिख ही रहा होगा। मैं जब वीडियो भी शूट करती हूँ ना, मैंने कोई मेकअप नहीं करा हुआ होता है, मेरा स्किन एज इट इज़, आप देख ही रहे हो कितना क्लियर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।